इशू आप बता सकते हैं आपके कार्यकाल के दौरान एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो आपको ऐसा लगता है कि ये इशू था और आपने उसको सॉल्व करने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया? देखिए, पे रिवीजन जब आता है तो कंपनीज को एरियस देने होते हैं, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के चेयरमैन ने एक वाक्य कहा था कि सभी कंपनियों ने जनरल इंश्योरेंस की एम्प्लॉयज़ के एरियर देने के लिए अपनी कुछ इक्विटी डिस्पोज की है, थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट्स कम किए कुछ कैश निकालने के लिए। ओरिएंटल को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि विजिलेंस ने उतनी सेविंग करके दी थी। इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हमने लोगों को दंड नहीं दिया था, हमने उनको इंस्पायर किया था, और उसके कारण से जो बचत हुई थी मेरे से प्रीवियस वर्ष में, अगर आप देखें होटल एक्सपेंसेस क्लेम्स, मोटर के क्लेम्स या एक्सीडेंटल क्लेम्स, उन सब के अंदर जो बैड क्लेम्स थे वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ होने से जो फ़ायदा हुआ, इसे प्रिवेंटिव विजिलेंस कहते हैं, कि जब लोगों को पता लग गया कि भाई ये कंपनी पकड़ लेगी तो वो लोग फाइल नहीं कर रहे, तो ऑन रिकॉर्ड ही आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन जो लोग डील करते हैं वो जान सके कि इन हेड्स में हमारी कंपनी को कुछ अतिरिक्त लाभ हुआ। तो उसको मैं समझता हूँ कि वो किसी की भी निगाह में नहीं था। तो ये एक इशू था, आप बोल रहे हैं कि उस वक्त जो है एक्सपेंसेस इस तरह के, इसे आप भ्रष्टाचार का ही नाम देते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार ही अकेला विजिलेंस का मैटर नहीं है। भ्रष्टाचार को पकड़ना एक काम है और भ्रष्टाचार की इच्छा पैदा ना हो वो दूसरा काम है। तो उस प्रिवेंटिव विजिलेंस से हमने ये उपलब्धि हासिल की थी कि कर्मचारियों में जब सेंसिटिविटी आ गई तो जो चुपचाप देखते रहते थे उसके बजाय वो रोकने में लग गए, तो उससे जो हमारा लाभ हुआ वो लाभ इसमें आता है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।